नमस्कार, विपार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव परिणामों पर। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मोदी का मैजिक चला या अमित शाह का चुनाव प्रबंधन या कुछ हुआ? देखिए, दोनों का संयुक्त प्रभाव है। निश्चित तौर पर इसमें नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो है, और अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग है, और जो सोची समझी रणनीति है उसने काम किया है। बसपा और सपा के जो वोट बैंक है उसके अलावा कितने वोटों को वो अपनी तरफ जोड़ सकते हैं, उनके वोट बैंकों में किस तरीके से सेंध लगा सकते हैं, उसके ऊपर एक सोची समझी रणनीति के तहत काम हुआ है। आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, किसी भी मुसलमान को टिकट न देना, 3 तलाक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना, मुस्लिम बहुल सीटों पर इस तरह के उम्मीदवार खड़े करना जो दूसरी जातियों के वोटों को अपने पास शामिल कर सकें, तो मोदी जी और अमित शाह के दोनों का मिलजुला प्रभाव है और बड़ी जीत है। उत्तराखंड में आप देखें तो लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रही, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को अपने साथ शामिल किया। हरीश रावत जी उस सारी राजनीति को समझ नहीं पाए, मुगालते में रहे और खुद अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। यूपी की राजनीति जो है जाति आधारित है, ऐसे में लगता नहीं कि मायावती का जो परंपरागत वोटर है वो से दूर हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए, और जो आंकड़ा उन्होंने अभी हासिल किया है लोकसभा के चुनावों में, जो उनका हश्र हुआ है, लोकसभा से वो बाहर है, राज्यसभा में उनकी जो उपस्थिति वो भी अब गौण हो जाएगी, विधानसभा में जहां वो मुख्यमंत्री रही वहां का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका है। तो एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, दलितों के लिए पिछड़ों के लिए जो आंदोलन काशीराम ने चलाया था उसकी बुनियाद पर खड़े होकर मायावती ने जो अपने सपनों का महल खड़ा किया था वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे अगड़ों की और बनियों की पार्टी एक जमाने में कहा जाता था, उसने अगर पिछड़ों के वोट बैंक में, गैर यादव गैर जाताओ पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में और कुछ अल्पसंख्यकों के वोट बैंक में सेंध लगा ली है, तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी परिवार में कलह और बढ़ेगी? समाजवादी परिवार की कलह देखिए इसलिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती कि वो उनका आपस में परिवार का मामला था, और जहां तक बहुत सारे लोगों ने कयास लगाए आकलन किए हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत था जिसमें अखिलेश को हीरो बनाने की कोशिश थी, और ये बताने की कोशिश थी कि अखिलेश इस सब पारिवारिक विवाद की वजह से वो सब नहीं कर पाए जो उन्हें करना था, और अखिलेश अपने आप में बड़े अच्छे हैं, तो वो रणनीति कारगर साबित नहीं हुए। फिलहाल यादव परिवार की जो कलह है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि हम पंजाब की बात करें तो वहां भगवा गठबंधन को सत्ता का नशा लेट हुआ या ड्रग्स का नशा? सत्ता के नशे में जो नशे के कारोबार का विवाद जुड़ा वो उनको ले डूबा, सत्ता वो ढंग से चला नहीं पाए, लगातार बात आ रही थी। सबसे बड़ा संकेत तो उनको लोकसभा चुनावों के दौरान ही मिल गया था। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने वहां वोट बैंक में सेंध लगाई, वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी अमृतसर की सीट को नहीं बचा पाए, नवजोत सिंह सिद्धू बाद में भाजपा छोड़कर चले गए, तो भाजपा के लिए ये संकेत साफ थे कि अकाली और उनका जो गठबंधन है उसको लेकर पंजाब में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उसको बदलने के लिए वो अमित शाह, जिनको हम इतना बड़ा चाणक्य इतना बड़ा रणनीतिकार मान रहे हैं, उन्होंने इसको भागते हुए जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया बीएमसी के चुनावों में, अभी की शिवसेना से अलग हो गए और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, तो उसमें देखिए भाजपा 31 सीटों से 84 सीटों पर पहुंच गई, तो वही जो समीकरण है उसको पंजाब में दोहरा सकते थे। अगर अकाली और भाजपा अलग अलग लड़ते तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो जमीनी स्थिति को भांपने में नाकामयाब रहे, गठबंधन पर भरोसा किया लेकिन नशे के कारोबार को लेकर जो बदनाम हो रहे थे अकाली और उनके मंत्री उसको वो समझने में चुप कर गए। गोवा और मणिपुर की बात करें तो किसी भी दल को बहुमत नहीं है वहां पर? देखिए, गोवा में तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही उनको ले डूबी है। भारतीय जनता पार्टी गोवा में बहुत मजबूती के साथ अपनी अगली पारी खेल सकती थी। मनोहर पारिकर बहुत मजबूत स्थिति में थे, बहुत अच्छे मजबूत मुख्यमंत्री थे, बहुत साफ छवि के मुख्यमंत्री थे, उनको जब आप रक्षा मंत्री बनाकर केंद्र में लाए तो आपने उसके बाद भले ही लक्ष्मीकांत पार्सेकर को बनाया वो मुख्यमंत्री, लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख थे वेलिंगकर, उनके साथ जो विवाद हुआ उसको वो ठीक से हल नहीं कर पाया, उसको ठीक से हल ना कर पाने की वजह से जमीनी स्तर पर जो असंतोष था वो उनको ले डूबा। नहीं तो अगर पारिकर मैदान में ठीक से डटे रहते, अहंकार की लड़ाई में ना उलझते, तो शायद गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रह सकती थी। मणिपुर में हालांकि अभी कश्मकश का दौर है, कांग्रेस थोड़ी ज्यादा सीटों के साथ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर 35% वोट मणिपुर जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाई है तो ये भाजपा के लिए अभी भी बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। शायद अमित शाह ये मानते हैं कि वहां पर अन्य दलों का जो आंकड़ा है वो भी अभी काफी महत्व रखता है, तो अन्य दलों के कुछ लोगों को अगर अपने साथ जोड़कर वो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं
तो माना जा सकता है कि इसमें कुछ न कुछ संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन अभी पिछले चंद लम्हों में जो जिस तरीके से कुछ सीटों पर कांग्रेस की बढ़त हो गई है दोनों ही गोवा में और मणिपुर में, उससे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह इतनी आसान होगी। दोनों ही राज्यों कांग्रेस और गोवा में स्थिति स्पष्ट होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव परिणामों की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।